अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और आपा से खास कहते हैं कि वो भी हमें मुस्तफीद करें। अपने कल भी आपने बहुत अच्छे तकरीर की जमहूरियत के इशू के ऊपर और थोड़ा सा हमें जमहूरियत पे ही कुछ बता। लेकिन थोड़ा सा पे जाने के बाद नहीं, वो तो जमहूरियत के दावे वो हम नहीं कर रहे। मैं सिर्फ ये देख रही थी कि जिस तरह की मोहब्बतें खलूस और ये हम देख रहे हैं, ये पाकिस्तानियों का खासा है। ये आप लोग वहाँ से लेकर आए हैं और हम लोग इसका इनकार नहीं कर सकते कि आप हमें बुलाएं और हम यहाँ ना आए। बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये मौके इस तरह से मिलते नहीं हैं और ये जो सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो हम कहाँ पाकिस्तान में वहाँ भी नहीं। तो अब ये एक वजह बनी है कि हम सब लोग यहाँ मिल के और ऐसी ऐसी डिस्कशन भी कर रहे हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा मुल्क कभी उभरता है कभी डूबता है। लेकिन बात यह है कि चाहे आप इधर आ गए हों लेकिन दिल वहीं रहता है। तो जब ये दिल वहाँ रहता है तो आप ये देखिए कि जो वहाँ रहने वाले लोग हैं वो भी उसकी इसी तरह से ही हिफाजत करना चाहते हैं जैसे आप यहाँ दुआएं मांग रहे हो। तो हम वहाँ प्रैक्टिकली कर रहे हैं, बुरा भी कर रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, डिक्टेटरशिप भी देख ली है, जमहूरियत भी देख ली है, जमहूरियत का हुसन भी देखा है, आंखें चुभिया गई हैं और खुली नहीं जा रही हैं जमहूरियत का हुसन देखने के बाद। तो अब बात यह है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जितना हकीकत पसंद हो और जो जो बहुत ही रियलिटीज़ हैं उसका अदराक होना चाहिए। तो मेरे लेफ्ट पे बैठी हैं और जो मैं खुद हूँ मैं भी उसी सियासत का हिस्सा हूँ और हम सिर्फ एक दूसरे को ही उसकी वजह नहीं समझेंगे, क्योंकि जो भी वहाँ है उसका सबका कोई ना कोई किरदार है अच्छा करने में और बुरा करने में। बात यह है कि हमें जब मुल्क की बात आती है तो एक ही सिर्फ में देखने की ज़रूरत है कि हमें इसको निकालना कैसे। मीडिया की जहाँ तक बात है, देखिए खुरु साहब ने कहा कि आपने कहा था कि आप ये रिकॉर्ड नहीं करें, वही चीज़ हुई थी कि सोशल मीडिया सोशल मीडिया जो है ना उसकी उठान को आप रोक सकते हैं ना उसकी उड़ान को रोक सकते हैं। कल मैंने जो एक लफ्ज़ कहा था कि आज़ादी की जो का जो मफहूम होता है हमारे पास, आज़ादी ये नहीं है कि मैं किसी की ना सुनूँ, आज़ादी ये है कि मैं कितनी जिम्मेदार हूँ, मुझे जब मेरे चीज़ में मेरे अख्तियार में ये चीज़ है तो उसका इस्तेमाल मैं कैसे करूँ। माँ बाप अगर बच्चों से कह देंगे तुम आज़ाद हो तो बच्चा तो कुछ भी कर लेगा, लेकिन अगर उस बच्चे को ये भी बताया जाए कि ये चीज़ तुम्हें जिम्मेदारी के साथ करनी है तो फिर आप अदब आदाब सीख लेते हो। तो आई एम नॉट कंसर्न कि ये मीडिया कब सीखेगा और क्यों सीखेगा और क्यों नहीं सीखेगा, इसलिए कि ये बिल्कुल उसी तरह है कि हम एक नई चीज़ आती है हम उसे खेलना चाहते हैं तो हम खेल रहे हैं इससे। एंड आफ्टर वाइज मेरा ख्याल है कि हमें वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी आ चुकी हैं जिसका हम आप इंटरनेशनल मीडिया को देखते होंगे तो वो कैसे काम करता है तो वो भी इसी तरह करेंगे। लेकिन आप ये देखिए पाकिस्तान को जो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए वो ये है कि विद इन नो टाइम आप पूरी दुनिया के मुकाबले में आते हैं। कल किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि शायद साथ ही कहा था कि अब आप इसके मोहताज नहीं रहे कि सही खबर सच्ची खबर सिर्फ BBC लेता है, आप खुद अब खबर हैं और BBC आपसे लेता है, आप हर जगह पहुंच जाते हैं। आपके जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें अपनी ज़िंदगियां गंवाई हैं इसी पेशे को मोतबर बनाने के लिए, वो नहीं ख्याल करते। और हमें सबको मालूम है कि मीडिया हाउसेज में जो उनके बड़े हैं वो किस तरह ट्रीट करते हैं।
लेकिन एक अपनी लगन होती है, पैशन होता है, और जो पेशे में है तो वो काम कर रहे होते हैं। और रमन साहब से पूछिए, ये बैठे हुए हैं यूसुफ साहब, इन लोगों की अपनी जिंदगियाँ देती हैं इस चीज़ के लिए। तो बात यह है कि जो दो काम करने वाले होते हैं वो जगह करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चार्म ये है कि जो आदमी कैमरे के सामने है वो उसको एक एज है कि वो दिखाई देता है और वो सुनाई भी देता है, और उसका दिल चाहे तो टोपी रख ले किसी के सर पे और दिल चाहे तो उतार ले। तो अब ये जो चीज़ है वो उनको खुद को समझनी होगी कि उनको ये अख्तियार किसने दे दिया कि वो बेधड़क टोपियाँ उतार दे। यही वाली जिम्मेदारी वाली बात आनी है और आएगी, और ये भी आपकी मीडिया को मोतबर भी बनाएगी। तो बहुत खुशी की बात है, हम यहाँ आए हैं और एक इंटरेक्शन हो रहा है, हम एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, और सुनने का हौसला भी पैदा करना चाहिए, सिर्फ सुनाना ही नहीं चाहिए। और ये चीज़ भी हमें सीखनी होगी कि हम सुने पहले, बीच में इतना ज़्यादा इंटरप्ट भी ना करें। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी बहुत इज्जत अफजाई की, कल बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, सुनने वाले अच्छे नहीं हुए, लेकिन आप ये देखिए कि सुनाने वाले जो थे वो देवर ऑल और प्रोफेशनल, और वो उसकी बदकिस्मती थी कि उन्होंने नहीं सुना। और मेरे ख्याल में देवर द रॉन्ग पीपल हुआर इन्वाइटेड। और जहाँ इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज हों उसमें आप अगर सिर्फ यही इस तरह की डिस्कशन होती, इतने ही लोग होते और आप डिफरेंट सेशन में गुफ्तगू करते और इंटरेक्टिव होता, तो शायद हम आप लोगों से बहुत सीख के जाते और हम आपसे बहुत सिखाते जाते, आपको बहुत सिखाते जाते और सीख के जाते। तो इस तरह से सिर्फ हजूम के ज़्यादा होने से सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंसेज नहीं होती है। बात जब सुनाई जाती है एक बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। उसने खाना है कुछ असद मोहित साहब को खाना खाने का आप सिर्फ नाश्ते का एक आदमी से पूछे बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने कहा कि किसी को ये हक नहीं पहुँचता कि वो टोपी किसी की उछा ले, तो मैं इस जो चेहरे देख रहा हूँ सारे का दावर, मैंने नहीं किसी के मुंह से सुना, मतलब है कि आपने काशिफ भाई हैं, अनिक भाई हैं और मोहित भाई हैं, मैंने इनके अभी तक प्रोग्राम्स में ये चीज़ नहीं देखी कि इन्होंने कुछ चीज़ उछाली हो। मैं नहीं समझा, काशिफ भाई की हमेशा कोशिश होती है कि बात को कॉम्प्रोमाइज तरीके से किस तरीके से चलाया जाए। मोहित भाई हैं बड़े ऐसे तरीके से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और बड़े प्यार से सवाल जब करते हैं तो इनके सवाल के अंदर भी बहुत इज्जत होती है। मैंने ये चीज़ बड़ी फील की, कभी कुछ काटदार तरीके से, लेकिन सवाल होता काटदार है लेकिन उसके अंदर भी इज्जत और एहतराम का रिश्ता बरकरार रखते हैं, ठीक है। और अनिल भाई माशाल्लाह वो तो सुबह जब करते हैं तो उसके बाद चिरागों में रोशनी दे, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप कीप वॉचिंग TV 786, देखते रहिए।